वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5G टेलीफोन सेवाओं की शुरुआत की है। इसके साथ ही 1 अक्टूबर से भारत में मोबाइल फोन पर अल्ट्रा हाई स्पीड इंटरनेट के नए युग का आगाज हुआ है। नई दिल्ली में आयोजित इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2022 कार्यक्रम के मंच से पीएम मोदी ने इस सेवा की शुरुआत देश के 13 चुनिंदा शहरों से की है। अगले कुछ वर्षों में पूरे भारत में 5G इंटरनेट सेवाओं का विस्तार होगा। वहीं इस शुरुआत पर हरियाणा की गृहमंत्री अनिल विज ने खुशी जाहिर की है और साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश के विकास को रफ्तार देना चाहते हैं। सारे देश में बड़ी बड़ी सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है, देश में बुलेट ट्रेन चलाई जा रही है और अब क्योंकि डिजिटलाइजेशन की जा रही है सारे देश में, उसको भी गति देने के लिए 5G को आज लॉन्च किया गया है ताकि जहाँ जहाँ पर कोई डाटा प्रॉब्लम आती थी तो इससे उसमें सारों को सुविधा मिल सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश को सबसे आगे लेके जाने में प्रयास कर रहे हैं। वहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा कह रहे कि बीजेपी युवाओं को बेरोजगारी के दलदल में धकेल रही है। अब भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी से अगर जाकर कोई पूछे कि किस युवा को बीजेपी ने किस दलदल में धकेला, ऐसी बातें करते हैं बैंकी बैंकी।